तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम सर रोजर एट द चर्च बाय जोसेफ एडिशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो सप्ताह के सातवें दिन संडे यानी रविवार को ऑथर पवित्र मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे संस्कृति का विकास होता है। गाँव के लोगों को एक दूसरे से मिलने का, आपस में बातचीत करने का या ईश्वर की पूजा करने जैसे कामों का टाइम न होने की वजह से सब असभ्य हो गए थे। संडे आते ही गांव वाले अच्छी तरीके से अपने घर की सफाई कर लेते, अच्छे से तैयार हो जाते और एक दूसरे से मिलकर अच्छे से बातचीत किया करते और चर्च जाते। सर रोजर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और धर्म में विश्वास रखते हैं। उन्होंने चर्च को अंदर से और बाहर से बहुत अच्छी तरीके से सजाया था। वो गांव के लोगों को चर्च आने के लिए बहुत प्रेरित किया करते, यानी मोटिवेट किया करते। वो चर्च में काम करने वालों की तनख्वाह भी बढ़ाया करते हर साल, जिससे सब चर्च आएँ। सर रोजर चर्च में प्रार्थना के समय ना किसी को सोने देते और ना ही किसी की पलक झपकने देते। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी उनकी खुद की आँख लग जाती और वो कभी कभी अचानक से खड़े होकर सबकी गिनती करने लगते कि सब लोग आए हैं या नहीं, और वो जान सकें कि कौन कौन नहीं आया। प्रार्थना ख़त्म होने के बाद वो सबसे मिला करते और बात करा करते, उनके घर परिवार के बारे में पूछते, और जब तक वो नहीं बोलते कोई भी बाहर नहीं जाता। इस तरह वो सबको जता भी देते कि उन्हें पता है कौन आया है और कौन नहीं आया। और एक बार एक बच्चे से सवाल करने के वक्त उस बच्चे ने जब सही जवाब दिया सवाल का, तो उन्होंने उसको बाइबल दी और उसकी माँ के लिए मीट का टुकड़ा दिया। उन्होंने प्रीस्ट का वेतन भी 5 पाउंड बढ़ा दिया था। सर रोजर और प्रीस्ट के बीच अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे की मदद किया करते, जिससे गाँव के लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। जबकि जो पड़ोस के गांव के जमींदार और प्रीस्ट में हमेशा झगड़ा बना रहता और वो एक दूसरे की बुराई किया करते, जिससे गांव वालों पर बुरा असर पड़ता और वो नास्तिक बन गए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।